देखिए माउंटेन्स और फॉरेस्ट के बीचों बीच ये मंदिर पहाड़ की एक चोटी पर स्थापित है। पहाड़ की चोटी पर बसा माँ काली मंदिर का तेज और यहाँ की मंत्रमुग्ध कर देने वाली प्राकृतिक सुंदरता आपको इस स्थान पर खींच कर लेकर आती है। शहर के शोर से दूर अछूते और घने जंगलों के बीचों बीच खुशबू बिखेरते चीड़ पाइन और विशाल देवदार के पेड़ आपको असीमित एकांत एवं शांति का अनुभव करवाएंगे। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर चलिए मैं आपको ले चलता हूँ काली का टिब्बा मंदिर चैल में। पहाड़ की चोटी पर बसा माँ काली मंदिर का तेज और यहाँ की मंत्रमुग्ध कर देने वाली प्राकृतिक सुंदरता आपको इस स्थान पर खींच कर लेकर आती है। शिमला, सोलन, सिरमौर, किन्नौर और हिमालय की पहली पर्वत श्रृंखला भी यहां से दिखाई देती है। मंदिर के द्वार तक सड़क जाती है और पार्किंग के लिए पर्याप्त स्थान अवेलेबल है। इसके अलावा यहां पर आपको पीने के लिए पानी और शौचालय की व्यवस्था भी मिलेगी। जय माता दी। नवरात्रि का पहला दिन और मैं गौरव दत्त पहुंचा हूं आज चैल हिमाचल प्रदेश में। यहां पे आज हम लोग पहुंचे हैं काली टिब्बा मंदिर, जो कि काली मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। देखिए माउंटेन्स और फॉरेस्ट के बीचों बीच ये मंदिर पहाड़ की एक चोटी पर स्थापित है। और अगर आप एक एडवेंचरर हैं और इसके अलावा इफ़ यू आर अ काइंड ऑफ डिवोशनल पर्सन, सो दिस विल बी वन ऑफ द बेस्ट स्पॉट्स फॉर यू। सो आपको मैं रिकमेंड करूंगा, आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं। चैल एक छोटा सा टाउन है हिमाचल प्रदेश में, आप विजिट कर सकते हैं इस माता के मंदिर में, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर काफ़ी रिनाउंड प्लेस है ये। काली टिब्बा मंदिर का इतिहास बहुत ही दिलचस्प है। कुछ लोग कहते हैं कि इस मंदिर की मूल संरचना 9वीं शताब्दी में हिमाचल के तत्कालीन राजा के द्वारा की गई थी, क्योंकि देवी काली माँ उनके सपने में आई थी और उन्हें इसका निर्माण करने का आदेश दिया था। जबकि एक दूसरी कहानी के अनुसार मंदिर का निर्माण 19वीं सदी के पटियाला के राजा के द्वारा किया गया था। शिव मंदिर में अलग अलग पाषाण और धातु के शिवलिंग है। ये मंदिर चारों ओर संगमरमर के पत्थरों से बना हुआ है। यहां पर पंचमुखी हनुमान मंदिर, गणेश और शिव मंदिर है। काली का टिब्बा की ऊंचाई लगभग 7500 फीट है। यह स्थान चैल के सबसे ऊंचे स्थानों में से एक है। मंदिर से पहाड़ियों और घाटी का मनमोहक दृश्य दिखाई देता है। आप मंदिर से चैल शहर के विस्तार के साथ साथ चूर चांदनी और शिवालिक रेंज भी देख सकते हैं। आप मंदिर सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक विजिट कर सकते हैं। अप्रैल से अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक यहां का मौसम काफी सुहावना होता है। जब भी आप चैल में विजिट करें तो अपने पास एक जैकेट और एक वुलन कैप जरूर रखें। काली का टिब्बा मंदिर की सोलन और शिमला से दूरी करीब 45 किलोमीटर है।
चैल में भी आपको स्टे के लिए अच्छे और किफ़ायती होटल्स मिल जाएंगे। अगर आप टूरिस्ट सीजन में यहाँ पर आते हैं तो होटल की बुकिंग एडवांस में ही करवाना बेहतर होगा। जय माता जी पंडित जी। जय माता जी। पंडित जी बताएंगे आप इस स्थान के बारे में, काली माता का जो मंदिर है हिमाचल चैल में। ये स्थान जी, ऐसे तो जो हमारे गुरु जी रहते हैं बड़े, जो उनका नाम जगमोहन भारती जी है, वो केयर टेकर है इनके। अभी 2004 से रिकॉर्ड में है, बट 2004 से पहले भी जो हमारे ओल्ड पर्सन होते वो बताते हैं, उससे पहले का भी इतिहास है इससे जुड़ा हुआ। और यहाँ पे जो भी आसपास के क्षेत्र में है सभी की ये कुल देवी होती है। तो पंडित मैंने सुना है या तो ये 9वीं सेंचुरी में बना था, 9वीं सदी में, या फिर ये 19वीं सदी में बना है। तो ये मतलब कि किसी के सपने में आई थी माता कि ये स्थान, उसके बाद फिर इधर कोई बड़ा पर्सन है कोई, अभी तो बहुत ज्यादा पुरानी बात हो गई है जी, उनको कोई सपने में आई थी बताई। इधर जो पेड़ है ना उधर राइट साइड में जी जी, पिंडी बोलते है उसको। अच्छा, वहाँ था पहले छोटा माता का। अच्छा, तो अभी फिर इनका निर्माण बाद में करवाया गया 2004। ठीक ठीक, जय माता जी। जय। जय माता दी। ये भंडारा डेली होता है यहाँ पे? नहीं। अच्छा, तो नवरात्रे में होगा भंडारा ही। ठीक है, क्या समय भंडारे का है? सुबह 8-9 बजे से शुरू होता है। अच्छा, तो शाम को 7 बजे तक। शाम को 7 बजे। फ्रेंड्स, ट्रैवल की ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।